exercise 11.1 perimeter and areas of class 7th. Let us see the question. Find the area of a square park whose perimeter is 320 meters. इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर पार्क है, हमें उस स्क्वायर पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है. अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? साइड. लेकिन साइड इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है. हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें गिवन है पेरीमीटर. पेरीमीटर इज इक्वल टू 320 मीटर्स. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं. लेट अस सपोज दिस इज द स्क्वायर पार्क. ठीक है, मान लेते हैं कि ये स्क्वायर पार्क है एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर पार्क इज गिवन. तो लेट अस राइट डाउन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 320 मीटर्स. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या है? 320 मीटर्स. अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 into side. तो विल राइट हियर 4 multiplied by side इज इक्वल टू 320. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ये साइड. तो हम इस 4 को ले जाके यहां ऑन द अदर साइड 320 को डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो साइड इज इक्वल टू 320 divided by 4. ऑन डिवाइडिंग दिस विल गेट 80 मीटर्स. इसको डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा? 80 मीटर. इट मीन्स कि साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 80 मीटर. इसका साइड क्या है? 80 मीटर्स. तो विल राइट हियर, अभी हमें साइड मिल गया. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें साइड चाहिए था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है. तो अब हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड. वही फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे. तो 80 multiplied by 80, एंड क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो यूनिट क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई दिस. 8 8 64 एंड 2 0s, स्क्वायर मीटर. दिस इज द आंसर. ठीक है, पहले हमने क्या किया? पेरीमीटर से साइड फाइंड आउट किया और फिर साइड से एरिया. ठीक है, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड.